दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी अम्ब्रेला कट स्लीव कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये आज की वीडियो में आपको अम्ब्रेला कट स्लीव के बारे में बता रही हूँ और ये स्लीव जो है सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। और देखिए मैंने कपड़ा लिया है और आपको साइज बता देती हूँ मैंने कितना कपड़ा लिया है। अम्ब्रेला कट स्लीव बनाते हैं या स्कर्ट बनाते हैं या कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, कुर्ती वगैरह, सबके लिए चौकोर कपड़ा चाहिए। तो देखिए इसकी जो लंबाई है हमारी 17.5 इंच है और सेम हमने चौड़ाई ली, ये चौकोर पीस है। अभी हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए फोल्ड जो करते हैं हम इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करना है। तो देखिए जो ये स्लीव है ये एल्बो तक बना रही मैं, तो हमारी स्लीव की जो लंबाई है हम पहले यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारी स्लीव की लंबाई है 10 इंच और इसमें हाफ इंच हम नीचे ले रहे हैं क्योंकि इसमें खाली पीको करनी है हमको, नीचे फोल्ड नहीं करना। अगर आपके पास पीको मशीन नहीं है तो आप इसमें फोल्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको टोटली 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मैंने 10.5 इंच लिया, आप इसको 11 इंच ले लें। मैंने 10.5 इसलिए लिया है क्योंकि हाफ इंच शोल्डर में स्टिचिंग हो जाएगा। तो 10.5 इंच पे आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद अभी जैसे मैंने आपको बताया 10.5 इंच है तो हमको यहाँ पर भी 10.5 इंच पे ही मार्किंग करनी है और फिर यहाँ पर भी करनी है क्योंकि इसमें 3 पॉइंट आप इसमें लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, पहले आप नीचे की गुलाई दे देंगे। तो देखिए इसकी गुलाई हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने ये गुलाई यहाँ तक कर दिया है। अभी हम इसकी जो आम गुल की कटिंग देते हैं वो देते हैं। तो देखिए हम जो है 3.5 इंच नीचे लेते हैं, जो हमारी स्लीव की लंबाई रहती है उससे 3.5 नीचे मार्किंग करनी है इसकी गुलाई की। देखिए हो गए। अभी यहाँ पर आप बेड़ते देखेंगे इसकी, तो देखिए 7.5 इंच आ रहा है। ये आप 34 साइज की कुर्ती या ब्लाउज में लगा सकते हो क्योंकि अम्ब्रेला कट में ज़्यादा मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, हाफ इंच के मार्जिन में आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो मैं सेम ड्राफ्ट पर कट कर देती हूँ। तो देखिए अभी हमने ये कट कर दिया है। अभी यहाँ पे पहले हम पीको कर लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे फिटिंग करेंगे। फिर इसको आप राउंड में ब्लाउज या कुर्ती में किसी में भी स्टिच कर सकते हैं। देखिए पीको के लिए मैंने ये प्रेशर फुटर्स चेंज कर लिया है और अभी हम यहाँ पे पीको करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में आप इस तरह से रख लें। तो देखिए मैंने पीको कर दिया है और अभी हम यहाँ पर स्टिचिंग डाल देते हैं। अगर आप इसको राउंड में स्टिच नहीं करना तो पीको करने के बाद आप कुर्ती या ब्लाउज में अटैच कर लें और उसके बाद फिर इसमें सिलाई डाल दें। तो देखिए मैं यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच कर दूँ। जैसे मैंने बताया इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। ये हमने यहाँ पर स्टिच डाल दी, तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी स्लीव बनकर तैयार हो गई है। और इसी तरह आप दूसरा स्लीव भी तैयार कर लें और उसके बाद यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग दे दें जो कि हम आगे के पीस में देते हैं। दोनों स्लीव तैयार हो जाने के बाद देंगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि एक ही साइड की दोनों स्लीव हमारी कटिंग हो जाए। तो देखिए अभी हम यहाँ पर ये शोल्डर पर एक सेंटर पॉइंट दे दें और इसके बाद एक्स्ट्रा कटिंग। देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। आप इस आसान तरीके से ये अम्ब्रेला कट स्लीव बना सकते हैं एल्बो में। अगर आप 3/4 में बनाते हैं तो आप कपड़ा ज़्यादा ले लें, तो मेथड सेम है, आप कोई भी साइज का बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।